बहुत पैदा हो जाएंगे बनने के लिए, कांग्रेस का कोई भी बनेगा। राहुल गांधी बन सकते हैं भाई, राजनीति है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस पड़ेगा बीजेपी पे भारी। मंदिर मस्जिद जो लेके आज उठ रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। गुंडा राज वो बताते हैं, गुंडा राज इसी मुझे लगता है भाई, उभर नहीं पा रही है, कुछ न कुछ परेशानियां झेलने पड़ रहा है। ये सब वो है, एक जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, कैसे उनको पता लग गया कि हम 400 पार हैं? वो विपक्ष के जितने नेता हैं उनको खत्म कर देंगे, चाहे वो कोई भी नेता। कौन नहीं माफ किया होता, हम आप शरीफ आदमी होंगे। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। और आज आ चुके हैं हम दिल्ली के जनपद इलाके में, और आज हम लोगों से जानेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में और अपोजिशन पार्टियों के बारे में कि किसके राज में ज्यादा काम हुआ है। आइए जानते हैं लोगों से राय। क्या लगता है आपको, जिस तरह से एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है, अभी भी पीएम है वो, और एक तरफ से अपोजिशन पार्टी है, लेकिन उसके चेहरे पता नहीं कौन से है कि पीएम कौन बन पाएगा? क्या लगता है अपोजिशन में पीएम बनने लायक कोई है? बिल्कुल, बहुत पैदा हो जाएंगे बनने के लिए। पीएम कौन बनेंगे? कांग्रेस का कोई भी बनेगा। चेहरे बताइए, चेहरे तो इतने सारे नाम बताइए, किसी का कौन बन सकता है? चेहरे अगर स्पष्ट कर दिया होता तो बात ही कुछ और होती। चेहरे तो अभी बता नहीं है, किसी का सामने नहीं किया है। राहुल गांधी का एक सपना है पीएम बनने का। राहुल गांधी बन सकते हैं भाई, राजनीति है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी कोई इस चुनाव में आपको लगता है कि टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? नंबर वन का टक्कर रहेगा इस बार, बहुत भारी पड़ जाएगा। कौन भारी पड़ रहा है, किस पे भारी पड़ रहे? कांग्रेस पड़ेगा बीजेपी पे भारी। इस तरह से पड़ रहा है भारी, हर तरह से पड़ेगा। देखो, विपक्षी पार्टी हमेशा ये कहेगी, हमें विपक्षी पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, वो गलत ढंग से बेशक जीत जाए, वरना जीतने का कोई कगार ही नहीं है। क्या है मुद्दा वो तो बताइए। देखिए, मंदिर मस्जिद जो लेके आज उठ रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता बिल्कुल उब चुकी है, महंगाई इतना ज्यादा हो गई है कि जिसका कोई जवाब नहीं। लोग परेशान हो गए हैं, कहते हैं गुंडा राज। गुंडा राज वो बताते हैं, गुंडा राज इसी मुझे लगता है भाई। गरीब आदमी, आम आदमी परेशान है इस समय। जब से ये सरकार आई, नोटबंदी से लेके आज तक लोग, जनता परेशान है, उबर नहीं पा रही है, कुछ न कुछ परेशानियां झेलने पड़ रहा है। नोटबंदी तो इसलिए हुआ था कि बहुत सारे पैसे ब्लैक में रखे हुए थे, और नोट आसानी से छाप लेते थे लोग, पाकिस्तान से पैसे आ जाते थे। ठीक है, ये भी तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हमने ब्लैक काला धन लाएंगे, गरीबों में बांटेंगे। कहां गया? बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ हो रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो है मजे ले रहे हैं, गरीब आदमी कहां सर जा रही है? गरीब कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम किया है, और यही है। एक बात बताइए, 5 किलो राशन में आप खा लेंगे, आप रह लेंगे? कभी नहीं रह पाएंगे दोस्त। ये सब वो है, एक जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। इस बार बड़े टक्कर का चुनाव है। मोदी जी तो कह रहे हैं हम 400 पार हैं इस बार। अरे वो तो पहले ही, एक बात बताओ, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, कैसे उनको पता लग गया कि हम 400 पार हैं? कौन सा ऐसा काम कर दिए जो 400 पार कर रहे हैं? मंदिर कुछ काम किए होंगे तभी तो लग रहा है उन्हें। कुछ भी नहीं, कोर्ट में था, मुकदमा था, उसका फैसला हुआ, मंदिर बनी। आप बताइए, आपके ऊपर कोई केस किया जाएगा, जब उसका फाइनल होगा तभी तो आप कुछ कर सकते हैं। ये सब बकवास है। आप बोल रहे विकास नहीं हुआ, रोड इतने कम थे, फिर हाईवेज बन गए, नए नए हाईवेज बन गए, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल गई। पहले नहीं ट्रेन थी, पहले नहीं हाईवे था, पहले नहीं लोग थे, पहले भी लोग थे, पहले भी सड़कें थी, पहले भी लोग खाते थे। कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी? नहीं थी। सिलेंडर 400, 450, 500 से लेके 1200 पकड़ा दिए, झंडा दिखा दिए, बाद में 100-200 घटा के कह रहे हैं नहीं कांग्रेस हमने कम कर दिया। लोग ये देखते हैं, कांग्रेस के राज में सब सुखी थे, सब चैन में थे, इसमें बड़े लोगों के मजे हैं। इस टाइम जो इंडिया का जिस तरह से नाम, एक इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, ये आपको देख के अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ब्रांड बन गया, अच्छा क्यों नहीं लगेगा यार? अपना देश है, अपना वतन है, ये बात नहीं है, ब्रांड की बात नहीं है। यहाँ बात ये है, महंगाई, लोग परेशान हैं, गरीब वर्ग को बताइए कोई फायदा है? आप बता दो, 5 किलो राशन
पांच किलो राशन है तो उससे कौन सा अमीर बन जाएगा? नहीं दोगे तो नहीं जिएगा, तब पर भी वो कमाए खाएगा। सर आप महंगाई से ना खुश है ना सरकार से? अब क्या बताएं, बहुत सारी बातें हैं, बताएं आप बताएं, लेकिन इतनी ज्यादा बातें कह नहीं सकते दोस्त। उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सरकार तो भैया आम आदमी की होती है। नहीं आप वोट देंगे तभी तो सरकार बनेगी। बात बताएं भैया, जैसे आप चैनल वाले, टीवी चैनल हो, कोई किसी चैनल से है आप, या आप मीडिया से जो भी है, लेकिन आज अगर विपक्ष का कोई अच्छा काम होता है तो उसको भी नहीं आएगा लाइट में, और इनका एक जरा सा हो जाएगा एकदम हाहाकार मच जाएगा, मोदी मोदी योगी ये सब क्या। विपक्ष का एक ये भी आरोप है कि विपक्ष को धीरे धीरे मोदी जी खत्म कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। हाँ हाँ कर रहे हैं, वो विपक्ष के जितने नेता हैं उनको खत्म कर देंगे, चाहे वो कोई भी हो। ये भी तो चल ही रहा है क्रम, जैसे जैसे माफियाओं की बात रही, जो गलत करे उसके साथ गलत कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन इतना गलत नहीं होना चाहिए। जैसे केजरीवाल जी ले लो, पार्टी से हमें लेना देना नहीं, अभी केजरीवाल थे उनको ले जाके बंद करा दीजिए। आप बोल रहे हैं कि जैसे कि गुंडा राज खत्म नहीं हुआ, नहीं। तो आप ये बताइए, मुख्तार अंसारी जो थे उनके मरने पे कांग्रेस वाले शोक व्यक्त कर रहे हैं कि बहुत अच्छे आदमी थे, मर गए। अब गाजीपुर में जाके पूछेंगे तो वहां ये बताएंगे कि अच्छे थे कि बुरे थे, भाई हमें पता नहीं। हम तो ये जानते थे कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, लोग माफियाओं में इनकी गिनती होती थी। नेता कौन नहीं माफिया होता, हम आप शरीफ आदमी होंगे, हम आप अगर जरा सा उनके खिलाफ आवाज उठाए हमारा आपका मर्डर हो जाएगा, हमें आपको पता ही नहीं लगेगा। नेता तो सारे ऐसे ही होते हैं सर, मुख्तार अंसारी को ले लो, अतीक अहमद, कोई भी नेता ले लो, कौन सा शरीफ है, कोई बता सकता है शरीफ है? कभी नहीं। जितने गुंडे बदमाश हैं, जितने वही तो नेता हैं। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों का मानना है कि सरकार ने काम किया लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाई है, लोग महंगाई से परेशान है। लोग का कहना है कि 5 किलो आटा चावल से क्या होता है, उससे घर थोड़ी चल जाएगा। तो लोगों को यही लगता है कि महंगाई क्यों नहीं कम हो पा रही है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।